प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब रोजगार का संकट भी पैदा होने लगा है। जी हां, पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह अपील की थी कि संकट के इस दौर में कोई भी कंपनी किसी को भी नौकरी से ना निकाले। इसके बावजूद कई कंपनीज अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है, तो वहीं जयपुर के प्रतिष्ठित होटल्स में शुमार होटल ओम टावर ने भी करीब 2 दर्जन कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकाल दिया, जिसको लेकर पीड़ित कर्मचारियों ने होटल के बाहर हंगामा किया। कर्मचारियों ने आरोप लगा कि लॉकडाउन लगने पर उनको घर पर रहने की बात कही गई, लेकिन अब उनको मार्च से लेकर अभी तक का वेतन भी नहीं दिया गया और साथ ही में बिना नोटिस के ही नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में पीड़ित कर्मचारियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। अभी जो मेन मेरा जो पॉइंट है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि होटल ने हम लोगों को सारे स्टाफ को ये कहा है कि होटल रेनोवेशन पर जा रही है, इस वजह से हम स्टाफ को अभी नहीं रख पा रहे। पॉइंट ये है कि जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है सैलरी बांटने के लिए, तो आप रेनोवेशन कहाँ से कराओगे। दूसरी चीज़, सारे स्टाफ को निकाल दिया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें से 20 से 25 लोगों को रखा है और बाकी सबको यहाँ से रवाना कर दिया। तो जब आपको रेनोवेशन करवाना है, जब कोई काम नहीं है, तो फिर वो 20-25 लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो या तो इस होटल को बंद करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हमें 2-2 महीने की सैलरी चाहिए। आज ही अपने लॉयर को बुला के हमको एग्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नोटिस पीरियड ले लो 1 महीने का और फिर जाओ घर पे। अगर वो 1 महीने की नोटिस पीरियड के साथ हमको 1 महीने की सैलरी दे तो भी हम सोचें, बिना सैलरी तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करें। मुझे यहाँ पे 6 से 7 महीने हो चुके हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो इन लोगों ने कोई मुझे लेटर दिया था, ना पीएफ काटते हैं, ना ईएसआई काटते हैं, मेडिकल सर्विसेज भी गवर्नमेंट की कोई प्रोवाइड नहीं है कराते हैं। अभी हम लोगों को क्या किया गया था कि हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डाला गया कि आपकी 1 तारीख से जॉब नहीं है आप लोगों की। तब लॉकडाउन के कारण हम लोग यहाँ पर नहीं आ सके थे। हम लोगों ने अपने फ़ोन से कम्युनिकेशन करके अपनी टीम को एक साथ किया कि ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो हमें उससे कोई इशू नहीं है, उन्होंने हमें जॉब से निकाल दिया, लेकिन हमें एटलीस्ट नोटिस पीरियड दें 1 महीने का 2 महीने का नोटिस पीरियड देके हमें हमारी सैलरी दें 2-3 महीने की, जिससे कि हम अपना गुजारा कर सके। अब हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग 15 तारीख को आए थे, कोई जवाब नहीं दिया था। हम लोग कल फिर 20 तारीख को आए, होटल पर ताला मार दिया इन लोगों ने और बोलते हैं कि जो बाहर खड़े रहोगे जो करना है कर लो, लीगल कार्रवाई, हम लोग तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अभी किसी वकील को बुलाकर इन्होंने ये बोला है कि इनको नोटिस पीरियड दे दो, बहुत बड़े वकील है, वो धमका रहे हैं हम लोगों को। एम्प्लॉयमेंट है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें मार्च के लास्ट महीने में मैसेज इन्होंने ड्रॉप कर दिया कि कल से आपकी सर्विसेज बंद हैं, और उसके साथ में ना ही इन्होंने हमें नोटिस पीरियड का टाइम दिया, ना ही हमें सैलरी दे रहे हैं, और आज हम आके इनसे मांग रहे हैं तो ये इन्होंने अपनी वकील को बुला के बोल रहे हैं कि ठीक है 1 महीने की आप नोटिस दे दो विदाउट पे, पैसे के नहीं। हम यहाँ पे सारे के सारे किराए और रेंटेड पे रहने वाले हैं, जिनके पास ना तो खर्चा है, ना खाने का है, ना आने का, ना जाने का है, इसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, इनके पास किराया नहीं, हर कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ में है, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। चलो अगर हमें 2 महीने निकालने भी होते तो कम से कम हमें ये पता होता कि 2 महीने बाद हमारी जॉब है। अब तो ना हमारे पास जॉब है, ना ही हमारे पास पैसे हैं, और ये ना ही हमें कोई सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें बताइए हम कैसे सर्वाइव करेंगे। हर कोई यहाँ पे परेशान है, वीपी एमडी पे डालता है, एमडी वीपी पे डालता है, वो मैनेजमेंट अकाउंट्स पे डालते हैं कि नहीं हम कल आपको बताएंगे, आपको लीगल जाना, आप लीगल जाके देख लो, आपके पैसे खर्चे हो जाएंगे। हमें धमकी देते हैं कि आपको जो करना आप करके दिखा।